भी मान सम्मान हो या फिर अपमान हो, यह जाति के आधार पर होता है। और यही तो साथियों, कैसे आप सब, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का जो व्लॉग होने वाला आपके लिए बहुत ही चौंका देने वाला, आप सोचेंगे कि ऐसी जानकारी मुझे अभी तक नहीं दी, ऐसी जानकारी इस व्लॉग के एंड तक के मैं आप सभी को शेयर करने वाला हूँ। और आज का जो दिन है वो है 5 सितंबर, और इस 5 सितंबर को पूरे देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मेरे हाथों में जो है वो है बहुजन कैलेंडर, और इस बहुजन कैलेंडर में आप सभी को पढ़ के दिखाने वाला हूँ कि ऐसा आज का कौन सा विशेष दिन है। तो आज का दिन है साथियों जगदेव प्रसाद कुशवाहा शहादत दिवस, और 7 अगस्त 1972 को शोषित दल तथा रामस्वरूप वर्मा जी की पार्टी समाज दल का एकीकरण हुआ, और शोषित समाज दल नामक नई पार्टी का गठन किया गया, और जगदेव बाबू ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह जगह तूफानी दौरा आरंभ किया, और वे नए नए तथा जनवादी नारे गढ़ने में निपुण थे। उनके जो नारे रहे साथियों बहुत ही ताकतवर नारे रहे, बहुत ही क्रांतिकारी नारे रहे, जिसमें से 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ऐसे क्रांतिकारी नारे जगदेव बाबू ने दिए। और साथ ही आज का जो विशेष दिन है, साथियों मैं हो चुका हूँ रेडी, और अभी चलते हैं ऑफिस तक की तरफ में, तो पार्टी कार्यालय में जाकर उसके आगे मैं बताऊँगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं और फिर आज का क्या प्रोग्राम है। साथियों मैं पहुंच चुका हूं ऑफिस, और इसके बाद में हम चलने वाले हैं जहां पर हमारी आज मीटिंग होने वाली है, उस जगह पर हम पहुंचेंगे, और उसके बाद में वहां पर क्या चीज़ होती है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल में। तो चलिए चलते हैं। चुके हैं जहाँ पर हमको मीटिंग में आना था, और मीटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और मीटिंग में जो चीज़ समझ में आई वो यही रही कि हमको संगठन को लेकर उसको मजबूत करना होगा, और कुछ जिम्मेदारियाँ बांटी गई है जो हमारे जिम्मेदार साथी है, और साथ ही साथ अभी आने वाले रणनीति को लेकर भी उन्हें जानकारी दी गई है। तो अभी चलते हम ऑफिस की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे पार्टी के ऑफिस में, जो अभी हमारी जो मीटिंग हुई विधानसभा की, उसके बाद में हम यहाँ पर आए, और यहाँ से अभी हम चल रहे ताई के इधर, और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि हमको भी आज किन नए लोगों से मिलना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सुबह मैंने जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात किया था, उसी टॉपिक को लेकर हम और थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि आखिर आज पूरे देश के अंदर में जो शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, उस शिक्षक दिवस के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, और किसको सही मायने में इसका नेतृत्व जाना चाहिए, ये सारी बात करेंगे। और कुछ सवाल है मैं पूछने जा रहा हूँ ताई से, और उसके बाद में उसके जवाब लेकर आप भी इस चीज़ के ऊपर में विचार करिएगा कि हम जो शिक्षक दिवस मना रहे क्या सही मायने में उचित है। भारत देश यह जाति प्रधान देश है, और यहाँ पर जो भी मान सम्मान हो या फिर अपमान हो, यह जाति के आधार पर होता है। और यही जो फैक्टर है वो आज के दिन, मतलब ये 5 सितंबर जो टीचर डे है, ये फैक्टर यहाँ पर बहुत मायने रखता है। दरअसल राधा कृष्णन सर्वपल्ली, इनका आज यह जन्मदिन है, और वो अपने जीवन भर टीचर थे, उन्होंने तनख्वाह लेकर बच्चों को पढ़ाया, वो प्रोफेसरी की तो तनख्वाह लिया और पढ़ाया, और फिर वो शिक्षक थे, इसीलिए वो शिक्षक दिन मना रहे हैं। लेकिन सही मायने में समाज को शिक्षा देने का काम अगर किसी ने किया तो वो महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया, सावित्रीबाई फुले ने किया। उन्होंने पूरे जिंदगी भर इस बात के लिए संघर्ष किया कि इस देश के बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख सके और स्कूल
जा सके। तो इस बात को लेकर यह आंदोलन उन्होंने चलाया। तो सही मायने में हमारे जो शिक्षक है ये महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले रहना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं है। व्यवस्था आपके महापुरुषों का अपमान करती है और जिन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन वो जाति के आधार पर उनका सम्मान करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली यह जो है वो नियोगी ब्राह्मण है साउथ इंडिया के, और उस हिसाब से उनका सम्मान किया जा रहा है। वही उनके निजी जीवन में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने जो पीएचडी का थीसिस है वो अपने स्टूडेंट का ही उन्होंने चुराकर अपना थीसिस उसको प्रकाशित किया था, यह भी हमने पढ़ा है। उनके पुत्र स्वयं लिखते हैं कि मेरे पिताजी यह जो है वो मेरी माँ को मान सम्मान से घर पे उनको इज्जत नहीं देते थे। तो जो शिक्षक जो होता है और जिसके नाम पर देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो एक आदर्श होना चाहिए था। जिस प्रकार महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले इन्होंने देश के अंदर स्त्री और पुरुषों को पढ़ाने का और एक जिसे हम इक्वालिटी की बात कहते हैं वो एस्टैब्लिश करने का काम उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो राधाकृष्णन सर्वपल्ली इनके पुत्र ही कहते हैं कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कभी इक्वालिटी से उसके साथ बिहेव नहीं किया। तो ये एक बात हमको नजर आती है। और वो जब अपनी जिंदगी में जब वो प्रोफेसरी कर रहे थे तो वो कभी भी अपने लेक्चर के लिए वो कहते हैं कि वो कभी समय पर नहीं जाते थे, वो हमेशा 20 मिनट लेट जाते थे और 10 मिनट पहले ही जो है क्लास कक्षा से वो बाहर निकल जाते थे। तो यह जो है वो आदर्श शिक्षकों की ये पैरामीटर्स नहीं है। वहीं आप महात्मा ज्योतिराव फुले को देखो, वहीं आप महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी को देखो तो आपको नजर आएगा उन्होंने अपने घर में रात को घर में वो पढ़ाते थे, प्रौढ़ों को पढ़ाते थे, उम्र से जो ज़्यादा थे उनको घर में बुलाकर पढ़ाते थे और जो लड़कियां थी उनको बाहर पढ़ाते थे। उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को पढ़ाया उन्होंने, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पढ़ाया, ब्राह्मण समाज के लोगों को पढ़ाया, मराठा लड़कियों को पढ़ाया। तो ये इक्वलिटी की बात ये आपको हमारे मिशन के बहुजन समाज के महापुरुषों में आपको नजर आएगी। और सही मायने में इस देश के 85% लोगों को जिन्होंने बिना पैसे से स्कूल खोले, बिना पैसे से लोगों को पढ़ाया, महिलाओं को पढ़ाया या SC ST OBC के बच्चों को, छात्रों को, लड़कों को पढ़ाया, वो सही मायने में देश के शिक्षक हैं। और उनका ही जन्मदिवस या फिर उन्होंने जो स्कूलें खोली वही जो तारीख है वो सही मायने में शिक्षक दिवस कहलाना चाहिए। और उनके ही जन्मदिवस के अवसर पर कहो तो हमें शिक्षक दिवस सही मायने में मनाना चाहिए। साथियों जैसे कि आप सभी ने सुना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी ताई ने अपने जो शिक्षक दिवस के ऊपर में हमें कही, और इस पूरी बात से हम यही समझ में आता है कि शिक्षक दिवस अगर हमें मनाना है तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके जन्म दिवस पर ही हमको सही मायने में शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। और जब बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है जब इस केंद्र के अंदर में आ जाती है, इस देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने पर हम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों आज के इस शिक्षक दिवस के ऊपर में अगर आपको ज़्यादा जानकारी और चाहिए इन डिटेल में तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जो हमारा और एक चैनल जिसका नाम है द थिंक एक सोच, उस चैनल पर जाकर आज के इस शिक्षक दिवस के ऊपर में जो सही सच्चाई है उस सच्चाई के ऊपर में आप वीडियो देख सकते हैं। और उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। Happy birthday to you.
के व्लॉग में आपको क्या नई चीज समझ में आई, क्या नई चीज आपने सीखी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।